तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना, और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो, बहुत दिनों से हम लोग का वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का, हमारे भाई लोगों का भी कमेंट आ रहा था, भाई जल्दी से वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो देखिए, वीडियो बनाना चाहते तो ऐसा नहीं कि हम लोग खुद वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, है ना। तो कुछ रीज़न था इसीलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि मेरा खुद मतलब सेहत बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 बार मेरा फीवर आ जा रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा ही, मतलब 15-20 दिनों से मैं पूरा परेशान था, ठीक है, ठीक हो रहा था, फिर ख़राब हो जा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। और कुछ दिन पहले, 4-5 दिन, मतलब कल ही मैं खुद गांव से आया हुआ, 3 दिन गांव में था अपने, कुछ प्रॉब्लम से, है ना, निजी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम था उसके कारण। और हमारे रूममेट्स का भी किसी ने किसी का तबीयत कहीं ख़राब हो जा रहा था, क्योंकि जान रहे हैं आप लोग, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो आज मैं वीडियो बनाया हूँ बहुत दिनों के बाद, अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों से रूबरू होकर के। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है मेन, तो 3 टॉपिक हम लोग बात करेंगे। एक तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम को लेकर के, कब होगा, कब होने के चांसेस है, होगा तो हमारी रणनीति क्या रहने वाली है, तैयारी क्या रहने वाली है। तैयारी तो क्या है, जैसे तैयारी तो वैसे ही है, बस उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे कैसे ला सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो होना ही है, तय है ना। अब ये भी बात करेंगे, क्या ग्रुप डी में CBT 2 हटेगा कि नहीं हटेगा, अगर हटेगा तो कितने परसेंट चांसेस है, नहीं है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का, है ना, पीयूष गोयल बोला, अश्विनी वैष्णव जी का क्या था, अभी क्या बोलते हैं, मीटिंग हुई है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनमें बताया गया कि जो ग्रुप डी की है CBT 2, उसमें मतलब ऐसा पता चला है BCC न्यूज के द्वारा भी, कि वो जो है CBT 2 रेलवे ग्रुप डी में जो अचानक से जोड़ा गया है, जो कि वो एकदम मतलब बहुत कम ही चांसेस है कि वो ऐड होने वाले, मतलब ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब ये फिक्स है, लगभग बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ना। तो हम लोग को CBT 2 के लिए टेंशन नहीं लेना। और बात करते हैं NTPC का जो रिवाइज रिजल्ट, इतना मेहनत किया, जद्दोजहद करने के बाद, स्टूडेंट इतना प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे शिक्षकों ने हमारे इतना साथ दिया, उनका दिल से धन्यवाद ना, प्रोटेस्ट स्टूडेंट ने किया, उनकी यूनिटी काम आई। तो NTPC रिवाइज रिजल्ट के भी पक्ष में आ सकता है, क्योंकि एक कमेटी बैठी थी आधे प्रोटेस्ट के बाद, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया, और वो कमेटी 4 मार्च को अपना रिपोर्ट आएगी। तो उसमें फिक्स तय है कि मतलब स्टूडेंट के पक्ष में ही रिजल्ट आने वाला है, 100% मतलब रिजल्ट आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है कि स्टूडेंट के फेवर में ना आए। अगर नहीं आया तो फिर वो जानती है कैसा फिर से माहौल होने वाला, फिर प्रोटेस्ट चलने वाला, तो वो नहीं चाहेगी। तो रिवाइज रिजल्ट आएगा और उसमें यूनिक कैंडिडेट, 7 लाख जो मतलब 3 हज़ार रिपीट कैंडिडेट थे, अब वो यूनिक कैंडिडेट आएगा, रिवाइज रिजल्ट में यूनिक कैंडिडेट आने को चांस है, तो और स्टूडेंट भी बढ़ेंगे, लेकिन 7 लाख तो रिजल्ट आएंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, 1,35,00,000 भरा गया है NTPC में, लेकिन उनका नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो उनके लिए एकमात्र सहारा 7 लाख तो होंगे, उसके बाद जो कैंडिडेट हैं ऐसा नहीं है, तो उनका क्या, रिजल्ट तो 35,000 ही फाइनल होने वाला है, लेकिन 7 लाख NTPC CBT 2 के लिए चुने जाएंगे, 7 लाख के बाद क्या। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, मेन जो है जिन, है ना, ग्रुप डी में अब लग जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्रुप डी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ही ज़्यादा है, और ये 10th लेवल पे है ना, बहुत सारे लोग भरे। क्या होता है NTPC में जो 12th है, सिर्फ 12th के लिए, मतलब लेवल के लिए हो गए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए नहीं हो पाएंगे। तो ग्रुप डी एक ही लास्ट मौका बनता है ना, चांस बनता है, ठीक है। तो उसमें एकदम फोकस करके लग जाना है, और NTPC CBT 2 में जो लगे हुए हैं, मतलब उनकी एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बस GK GS का थोड़ा सा तरह ज़्यादा पढ़ना होगा। तो मेन मुद्दा है ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो फिक्स 100% होने ही वाला है, मतलब रिपोर्ट आएगी, मतलब लगभग वही 55 से 60 दिन में ये आपका एग्ज़ाम तो होकर ही रहेगा। तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना है, क्योंकि देखिए हम लोग इतना मेहनत किए, सभी स्टूडेंट और टीचरों ने इतना मेहनत, प्रोटेस्ट कर करके, है ना, लाठियाँ खा करके, ये करके के, अब जब जिस चीज़ पर आया है ना, एग्ज़ाम को लेकर के, अब वो मतलब लग रहा है कि एग्ज़ाम होने वाला है, हो जाएगा कुछ दिनों बाद, टाइम भी अच्छा खासा मिला, जिनका तैयारी नहीं भी था, है ना, पीक पे नहीं था, तो अब उनके पास अच्छा खासा टाइम भी मिला है ताकि वो अपना तैयारी कर सके। अब इतने मेहनत के बाद, इतने अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद अभी भी हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, तो मतलब बहुत बड़े अफसोस की बात है ना। और कुछ लोगों के लिए मतलब बुरा होगा, जिनका तैयारी बहुत ही अच्छा था, है ना, उनके लिए तो मतलब रिजल्ट एग्ज़ाम ले लेना ही बेहतर था, लेकिन चलिए मानते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका तैयारी कुछ कुछ नहीं था, है ना, क्योंकि अब जान रहे ना, अब मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब ऐसा चांस मिल गया है, क्योंकि हम लोग NTPC का रिजल्ट से ही सबक ले सकते हैं कट ऑफ को लेकर के, है ना। देखिए कट ऑफ क्या रहने वाला था, मतलब कट ऑफ का क्या हाल है, तो अब थोड़ा सा हम लोग को एक चांस मिला है, जिनका तैयारी थोड़ा अच्छा नहीं था, पीक पे नहीं था, चांस अब मिला है कि जो NTPC में जो हम लोगों ने गलती की, जिनका कुछ कुछ मार्क्स रह गया, कुछ कुछ मार्क्स नहीं रहा, है ना, एक चांस मिला कि अब अपना अच्छा स्कोर कर सके, ताकि हमको बाद में अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ग्रुप डी में पछताना ना पड़े। तो उसके लिए अभी से एकदम प्रिपेयर करके रहना है, 50 से 55 से 60 दिन अभी हमारे पास मानते हैं कमेटी के रिजल्ट आने के बाद, थोड़ा सा ग्रुप NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हम लोगों के पास बचा हुआ है।
तो उस टाइम का सही से सदुपयोग करना है ना, और लग जाना, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं हम लोग, प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ, उसके बाद मतलब समझ सकते हो कितना मेहनत के बाद, और फिर इस वाली इस चांस को हम लोगों को छोड़ना एकदम नहीं है, एनी हाउ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अपने पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखना है, डिमोटिवेट मत होइए, है ना, डिमोटिवेट मत नहीं होइए। जिनका एनटीपीसी लगता है कम मार्क्स आया है, जिनका नहीं होने का भी चांसेस है, तो वो ग्रुप डी को एकदम ध्यान में रख करके अपना तैयारी को एकदम करें, क्योंकि जान रहे ना गवर्नमेंट जॉब का इतना किल्लत होने वाला है फ्यूचर में, जान ही रहे कितना ख़राब स्थिति आने वाला है, इतने कैंडिडेट फॉर्म गिरते हैं, कितने कम लिमिटेड सीटें होती हैं, तो ग्रुप डी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, इसको नहीं खोना है, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी का आप तैयारी कर रहे थे, एक लास्ट चांस है, समझिए इसको, लास्ट चांस समझ करके आपको तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि रेलवे जितना वैकेंसी थी उतना कोई नहीं दे पाएगी, और ये बहुत मतलब इसके बाद हमको नहीं लगता है कि इतना नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आएगी, और ये लास्ट चांस है, जो भरे फॉर्म बहुत ही लकी हैं, तो तैयारी पर लग जाना है। 60 दिन का अपना, 55 दिन का अपना स्ट्रेटेजी बनाइए, और एक बहुत ही अच्छा मैं बुक आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है ना, एक बहुत ही अच्छा हमको मेरे पास बुक आई है, किरण प्रकाशन की मैप की बुक है ना, ये देखिए मालचित। तो देखिए जैसे ये बुक मेरा दिखाने का मेन मकसद ये है ना, ये इस बुक का खास बात ये है कि जैसे हम लोग मान लीजिए स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, आपके स्टैटिक जीके में जो भी पढ़ते हैं पोर्सन है सारा स्टैटिक जीके का, उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा, अब मैप से जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा मतलब फीलिंग अलग ही उसका होता है, फीलिंग है ना। तो वो बुक मैंने देख रहा था, तो जैसे एटलस का हो गया, ये सब का भी मैप की बुक आती है, लेकिन थोड़ा उसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन इस बुक को थोड़ा फोकस किया गया एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसको थोड़ा सा बनाया गया बहुत अच्छे से, और ये भारत का पूरा भूगोल है, मतलब पूरा मानचित्र, इससे क्या बना, आपका स्टैटिक्स पोर्शन भी आपका कंप्लीट होने वाला है। इसकी खास बात यह है कि आप में इसमें देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक भी मुझे एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे स्टैटिक टॉपिक्स है ना, जैसे इसमें भारत के चट्टान हो गए, भौगोलिक, ये सब देख लिया, देख सकते हैं दिख रहा होगा ये सब है ना, और इसमें देखिए प्रमुख मैदान हो गया, भारत के दर्रे हो गए, बाघ अभ्यारण हो गया, नेशनल टाइगर रिजर्व हो गया, प्रमुख तेल रिफाइनरी हो गया है ना, कृषि अनुसंधान है ना जितना भी हो गया, प्राकृतिक वनस्पति, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, जनगणना, और इसमें जनगणना का जो रिपोर्ट है ना वो भी सही से दिया हुआ, तो बहुत ही अच्छी बुक है। इसका आप लोग को मैं कुछ PDF है ना, 10-15 पेज PDF ऐसे आप लोग देखना, पूरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन दूंगा। और इसमें जैसे कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया, जैसे ये आपको एक पेज दिखाता हूँ, ये है ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, भारत के पड़ोसी देश व सीमा, ठीक है, और जैसे चैनल होता है 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल, किस किस को बांटता है, डिवाइड करता है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इमेज इतना अच्छे तरीके से दिया हुआ है ना, देख सकते हैं जितने भी चैनल है ना, ये रेड मार्क के चैनल, तो बहुत एक बार खुद से फील पढ़ के देखो, इतना अच्छा फीलिंग आएगा ना, और इससे क्या होता है ना, मैप से पढ़ने का अलग ही मजा होता है, उससे बहुत क्वेश्चन आपके मतलब एक होता है ना क्लैरिफिकेशन हो जाता है आपके दिमाग में, मैप जब छप जाता है ना तो क्लैरिफिकेशन होता है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में, आपके कम गलती इरर होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो ये आप लोग बुक देख सकते हो, बहुत महत्व, क्योंकि बहुत दिन से ये बुक ऐसा खोज रहे थे है ना, तो मिल नहीं रहा था, और इसमें इतना अच्छा से दिया हुआ है ना, जितने भी नेशनल क्या बोलते हैं नेशनल पार्क हैं, ये सब सारे अच्छे तरीके से दिया हुआ, स्टैटिक्स के पोर्शन, बहुत सारे स्टैटिक्स के पोर्शन इसमें कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है मैप, 5-6 दिन आप लोग पढ़ोगे इसको देख करके, तो आपको मैप लगभग थोड़ा याद हो जाएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। सबसे पहली बात है वो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा बुक है, इसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो, अभी से करो, तैयारी को थोड़ा अच्छा करना है तो बुक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कर सकते हो आप लोग। इसका 5-6 PDF हम आप लोग को डाल देंगे है ना, 10-10 पेज तक डाल देंगे, देख लेने पर पढ़ के कैसा लगेगा नहीं लगेगा, फिर आप लोग परचेज कर सकते हो या नहीं भी आपकी मर्जी, ठीक है, तो कर सकते हो। और रही बात ग्रुप डी का एग्ज़ाम, तो होगा बहुत ही कम चांसेस कि CBT 2 ये आपका होने वाला है, तो अभी से लग जाना है, 60 दिन बच्चे हैं, NTPC रिवाइज रिजल्ट भी आने वाला है ना, यूनिक रिजल्ट, ज़्यादा चांसेस हैं ये आएंगे, ठीक है, जो रिपीट हुए तो गलती नहीं होगा, और एग्ज़ाम के लिए तो फिक्स एकदम श्योर हो जाना है कि तुम वो हो करके ही रहेगा, उसके लिए अभी से हम लोगों को तैयार हो जाना है, ठीक है। तो बस यही आप लोगों से थोड़ा चर्चा करना था। हाँ, और एक चीज़ कट ऑफ पे थोड़ा सा, अब भी देखिए जो पहले हम लोग करते आ रहे थे ना, अब थोड़ा सा मार्क्स को अपना इम्प्रूव करना होगा, अब देख रहे हैं बहुत ही मतलब कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया, इसलिए कटअप भी थोड़ा सा ज़्यादा हाई बनता है। तो अब 65+ तो एनी हाउ करके रखना है, 65-70+ करके ही रखना आपके रॉ मार्क्स, आप जब टेस्ट लगाते हो उस समय आना एकदम जरूरी है, ठीक है, इसके ऊपर ही अपना तैयारी को एकदम रखना है ना। अब करंट अफेयर है ना, अभी 2 महीने है ना, 2 महीने या जो भी हो ना, मोर देन 1 मंथ है,
अभी से करंट अफेयर को एकदम पढ़ लेना है। एक मंथ, एक साल का करंट अफेयर अभी एग्जाम्पल जब तक हो रहे हैं तब तक का आपको करंट अफेयर पूरा करके जाना, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा स्टैटिक जीके के ऊपर, करंट अफेयर को कैसे करें, ठीक है। तो बस थोड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम को एकदम किसी तरह जाने नहीं देना है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।